चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। लड़के यहाँ वाइटनर का नशा कर रहे हैं, बताइए। ये देखिए, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे एक बार फिर से, और बहुत दिनों के बाद हमारे वैभव भाई के साथ फिर से ब्लॉग कर रहे हैं। लास्ट ब्लॉग देखा था आपने बनारस का, और अभी आज हम आ चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पे, जहाँ लगा है फ्लावर एग्जीबिशन, हर साल लगता है। तो तीन दिन के लिए में फ्लावर मेरा खो गया है मृदुल, पता नहीं कहाँ गाड़ी लेके घुस गया भाई। तो मृदुल को वैभव ने अपनी स्कूटी दे दी थी, इतने जाम में पता नहीं वो निकाल ही नहीं पा रहा था। खैर उसका कॉल आ रहा है, रुकिए उससे कॉल से बात करते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। मदहोश। हम लोग यहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी किए हैं गेट नंबर 1 के सामने, मृदुल भाई गेट नंबर 3 पे चले गए। खैर काफी जाम लगा है और मृदुल ने अपने दिमाग का यूज किया, अभी स्कूटी में नया है तो पता नहीं कहीं जहाँ मन कर रहा वहाँ मोड़ दे रहा है। फिलहाल आज फ्लावर एग्जीबिशन लगा है जो कि 3 दिन का लगा है, आज दूसरा दिन है और कल पर रहेगा, मतलब 7 मार्च तक रहेगा, 5 मार्च से लगा है, आज है 6 मार्च। और मैंने एक छोटा सा मीटअप रखा है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, मैंने अपडेट किया था कि 5 बजे मैं कंपनी गार्डन में होऊंगा चंद्रशेखर आजाद पार्क में, तो देखते हैं कौन कौन मुझसे मिलने आता है। आया तो है भैया, पूरा जान लगवा दिए है आप, देखिए प्रयागराज ऑफिशियल पे एक अपडेट के मिलने आ रहे हैं, देखिए पूरा जान लग गया, 60,000 लोग यहाँ पे मौजूद है इस तरह। बहुत सारे लोग आ गए मिलने, खैर जोक्स अपार्ट, ये फ्लावर एग्जीबिशन के लिए लोग देख रहे हैं। चलो खैर अंदर देखते हैं कि कौन मिलने आता है, अगर कोई मिलने नहीं आएगा तो इस पार्ट को भी कट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ जनरली बाइक यहाँ पार्क नहीं होती है, पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन आज फिलहाल बाइक यहाँ पार्क हो जा रही है सेंट जोसेफ के बगल में। सो चलते हैं कंपनी गार्डन के अंदर। अरे मेरे भैया गाड़ी बची है, ये ड्राइवर ऐसे नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहाँ का करने कह रहे भैया, प्रसाद मिला था कहाँ, वहाँ लोग उधर चले गए, मदहोश हो गया है, सोच ले रहा हूं भैया। जाओ खड़ी करो। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ आज फ्लावर एग्जीबिशन के मौके पर चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट नंबर 1 के पास में। और पहले टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं, हम लेके आते हैं। चलो दे गया पैसा, ठेला वाला लगा क्या भैया? और मृदुल टिकट स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत महंगा टिकट है भाई, 5 रुपए का कुल। भैया लाइन लगी है काशी विश्वनाथ के बाद, हम आ चुके हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क की लाइन में, यहाँ टिकट के लिए लाइन लग रही है। मीटअप स्टार्ट हो चुका है, हमारे दो भाई लोग मिल चुके हैं, क्या नाम है? अभिषेक द्विवेदी। देवांश। क्या बात है, अपना वाला हो जाए ब्रो। तो चलते हैं अंदर। भाई मैंने इनका स्टेटस देखा था, मैं इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता था, तो मैं आप हमारे ब्लॉग में क्या बोलना चाहोगे? आप हमारे ब्लॉग में आ चुके हो, आज अपने भाई से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह यूट्यूब पे चैनल है बॉर्न टू ब्लॉग बाय एंड लव, दो ब्लॉग करते हैं, भाई का भी ब्लॉग करते हैं, हमारा भी ब्लॉग करते हैं, देखो एक साथ दो दो कैमरे पकड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगर। चलो थैंक यू सो मच। भाई बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। अच्छा आफ्टर लाइफ ब्लॉग, आपको सिल्वर प्ले बटन भी मिला हुआ है ना? क्या भाई सिल्वर प्ले बटन मिला है? कितने आपके हैं सब्सक्राइबर्स? 2,21,000। अरे भाई तो बड़े यूट्यूबर है भैया। फिलहाल दोस्तों मीटअप की शुरुआत हो चुकी है, हम आ चुके हैं कंपनी गार्डन गेट नंबर 1 के अंदर, और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ लगी यहाँ पे। क्या मृदुल भाई, मदहोश भाई, मेरी जान आज तेरी ऐसी तरह आज तेरी बनाओगी क्या? देखिए हाइपर हाथी यहाँ पे है, और ये देखिए हमारे जो हमारा नाम लिया जा रहा है प्रयागराज ऑफिशियल। और काफी सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स क्रिएटर्स आए हुए हैं जो कि व्लॉग कवर कर रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। छोटे छोटे बच्चे सब अपनी फैमिली के साथ आए, बिकॉज आज संडे का दिन है, और सामने आप देख रहे हैं गोल पार्क का जो फवारा है वो ऑन है, जनरली ऑन नहीं मिलता है लेकिन आज ऑन है। प्रयागराज में आज 3 मार्च से 7 मार्च तक यहाँ पर प्रतियोगिता रखी गई है। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार। मेरा नाम वेदांश। हाँ थोड़ा और लाउड। मेरा नाम वेदांश है। हमारा नाम वेदांश है, मेरा भी अकाउंट है ओनली ऑन प्रयागराज, प्लीज फॉलो कर लीजिए। हाँ तो जाके फॉलो करिए भाई को, और स्टोरी पे देखे थे कि घूमने आए थे हम, देख क्या आप। अरे वाह क्या बात है पिताजी, अंकल नमस्कार प्रणाम। क्या बोलते हैं वो तुम्हारे गांव में, सब तुमको क्या बोलते हैं? गांव नहीं गली गली में। क्या भैया आप तो ब्लॉग देते हैं, आप उसमें आए थे ना? अरे गदब पतला निकलते हैं आप लोग, बंडल वाला तो गदब का था। हाँ बेटा कल भी हम लोग तो ले लीजिए। देखिए मीटअप जो है हमारा वो सफल जा रहा है, भाई लोग मिलते जा रहे हैं। हर्षद भाई नाम है ना आपका? अभी पढ़ाई में क्या चल रहा है? इंटर में हूँ। इंटर में हूँ, चलो बढ़िया, अच्छा लगा मिलके। चलो छोटू ऐसे ऐसे, यो ये पता है सबको, यो ब्रो। क्या बोले
अभी सूरज ढलेगा उसके बाद लाइटिंग आपको दिखाते हैं कि बहुत ही चौकस लाइटिंग होगी, लहकट लाइटिंग। क्या है ये, क्या है? शेर, शेर। कुकुर, कुकुर। कुकुर। लग रहा है मृदुल बहुत मजा आ रहा होगा तुमको तो। अरे जूता की चिंता, जूता गंदा हो गया। जूता गंदा हो गया, अल्लाह जूता मार के साफ कर दे जूता। यार ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्लावर एग्जीबिशन से ज्यादा ही ह्यूमन एग्जीबिशन है ना ये चीज। हमने ऑन कैमरा हमारा पेस्ट मारेगा। ये क्या है, ये क्या है, वो क्या कह रहे थे जो बोल रहा हूँ? क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? उसका बाल झड़ गया, बाल झड़ गया। बाल नहीं झड़ गया यार, पत्ती टूट गई है। मैं इसका बाल झड़, देखो शरीर खोखला हो गया यार, गुर्दा-सुर्दा सब बाहर निकाल ली ना। सब चढ़ चढ़ के फोटो खिंचा रहे भाई, चढ़ चढ़ के करो जरा फोटो खिंचवा, पेट के अंदर हाथ मेरी फोटो। नंदी के नीचे बैठने का क्या सीन है? एक और खुशी की बात है, कोशिश रहेगी कि आपको जो फरमाइश किए हैं अभी देखना गाना। मैंने फरमाइश किया वैभव के कहने पे। सारे का पदा सा सारे का पहला खत्म लिखने में तो लगे खाने। हमारा जो वीडियो है हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं। इन्होंने शाम को जो जाकर के बख्शी बांध पे जो कवर किया और लोगों से एक नब्ज टटोली ना, वो नब्ज टटोलना वाला बिल्कुल समझने वाली चीज थी। जी जी जी। लोगों को जो उन चीज से जानते हैं उन चीजों को, राजनीतिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंडिकेशन बहुत इन्होंने कर दिया था उसमें। अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग मिलते हैं। नहीं देखिए इनको जो है जो कभी मैसेज में बात करते थे आज व्लॉग में ला दिए सीधे। आपकी जितनी शिकायतें हैं सब यहीं दूर कर दीजिए। भैया आप कितनी मिलने की कोशिश करते थे, कभी आप तो मिलते ही नहीं। देर आए दुरुस्त है ना। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम विशु है। और हमारे एक भाई और मिलेंगे, निखिल चतुर्वेदी। निखिल चतुर्वेदी, अच्छा आप भी देखते हैं? अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज, चलो यार अच्छा लगा आप लोग से मिलके अपने। और हमारे राहुल भाई भी आ चुके हैं, क्या हाल है राहुल, उतारो एक। बढ़िया बढ़िया। सभी कैसे हैं? बहुत दिन बाद मिलना हुआ सभी से। सब बड़ा मिस कर रहे थे तुम्हें यार कि राहुल कहाँ है, राहुल कहाँ है। पैसा कमा रहे, इवेंट करवा रहे हमारे हाउ खाउ के। अरे लौंडे आप, ए करो ये। भाई आज क्या खिला रहे हो भाई? मीमोस खिला दो, मीमोस। मीमोस ये ना खिलाओ। कहाँ खिलाओ, खिलाओ ना कंटा पे पड़ी। यहाँ पे भाई स्टॉल लगे हुए हैं लेकिन मृदुल कुछ खिला नहीं रहा है, बताओ। बहुत कंजूस लौंडा है। यहाँ का ठेका पूरा हमने लिया ना। हाँ पूरा हमारे ही मतलब उस पे लगा। तो चलो फिर जो भी कहेंगे खिला दोगे। खाना चाहो वो खा लो, बाकी आगे का पैसा भी तुम ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। आ, अरे थैंक यू, आप आ गई ब्लॉग में, आ गई हैं। मैं इसीलिए आई, मुझे लगा था कि भैया को देखा हुआ। अरे मैंने आपको एक बार कमेंट भी किया था ना कि मेरे बेटे ने देखो, वो भैया है ना। आप देखते हो मुझे, मुझे कहाँ देखा है? एक बार चर्च के पास बना रहे थे वीडियो ना। हाँ हाँ मैंने आपको कमेंट भी किया। हाँ हाँ मृदुल भैया ना, सब ये सब सेलिब्रिटी हो गए मृदुल भाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप वीडियो में आ चुकी हो, अब जो ब्लॉग आएगा उसमें आप भी रहोगे। थैंक यू। तो यहाँ पे सौम्या जी मिली हैं जिनका ब्लॉगिंग चैनल है। मेरा ब्लॉगिंग भी है और कुकिंग चैनल है रेसिपियाना रेसिपीज। जी जी जी। हेलो सभी, तो आप जरूर जाइए मैम का वीडियो देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छा लगता है जब क्रिएटर्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं पहले होता था जब हम लोग ब्लॉगिंग करते थे ना, लोग कहते थे कि कैमरा क्यों उठाया हुआ है, लेकिन अभी लोगों को पता है कि ब्लॉगिंग कर रहे हो, लोग आगे कहते हैं अच्छा मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ। तो मैंने कल का डाला हुआ है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत मिलके अच्छा लगा। मैम का भी स्टॉल लगा यहाँ पे? नहीं नहीं मैं कंपटीशन में पार्ट ली थी। अच्छा कंपटीशन में? हाँ। फ्लावर वाला नहीं, बेकिंग का है ना। अच्छा अच्छा बेकिंग का, अच्छा मुझे लगा सिर्फ फ्लावर का ही कंपटीशन है यहाँ पे। नहीं नहीं हर चीज का, हर चीज का है। हमको यहाँ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कुछ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बस इतना पता है कि फ्लावर कंपटीशन एग्जीबिशन है। पता भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है बिल्कुल। आप देखते हो ब्लॉग की ऐसे ही? चैनल का नाम बताओ। आप रे क्या बात है, अपना नाम बता सकते हो आप? सोना है।
पंक्ति खुशी सोनल, चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। अभी आप देख सकते हैं लाइटिंग एकदम प्रॉपर हो चुकी है और ये सामने जो है फवारा बहुत मस्त लग रहा है, लाइट एंड साउंड का शो है और ये चारों तरफ की कुछ लाइटिंग है यहाँ पे। और ये हमारा छोटा ब्लॉगर, आप भी ब्लॉग करते हो? हाय कर दो, हाय। और देख सकते हो आप यहाँ पे अच्छा खासा लाइटिंग की व्यवस्था है, तो लाइव आते हैं अगर नेट चलता है, नहीं तो बाकी देखते हैं। ए बाली बुड़ी जबड़ी पिपड़ी का केला खा केला खा खा। और भाई ये सामने है विक्टोरिया मेमोरियल, यहाँ एक कंपनी गार्डन का, और बहुत ही मस्त लग रहा है, लाइटिंग यहाँ बहुत मस्त है ना। वैभव यहाँ बहुत अच्छा छपरी डांस करने वाला है अभी आप सभी के लिए। राहुल था वो गया, और ये भी करेगा ये मृदुल, वो वहाँ ऊपर चढ़ेगा, कर रहा है भाई, कर रहा है अभी, बहुत मस्त है, ऊपर जाएगा, चलो वहाँ खड़े हो कैसे से करेगा। लोगों के मिलने का क्रम अभी रुक नहीं रहा, एकदम चौचक पान का मिजाज बना हुआ है यहाँ पे, भाई हमारे पान खा रहे हैं। और क्या नाम है आपका भाई? एजय कृष्णा। और आपका? भैया एक्टर सागर के साथ। एके सागर, तो जा एकदम जो है चौचक अंदाज में, यो ब्रो यो ब्रो यो, ऐसे उड़ाना है चिड़िया उड़े चाहिए ये पान। ये गुस्सा आया है पता है क्यों? क्यों गुस्सा आया है? क्योंकि इसके दोस्त को किसी ने तोड़ दिया है, ये देखिए यार, ये अच्छा है लेकिन यार सब फोटो खिंचाने के चक्कर में इसे तोड़ दिया, इसलिए गुस्सा आया कि इसके पसंद का फूल नहीं है ऊपर, फूल इसके बाल अफ्रीकन हो गए ना, इसलिए घुंघराले। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है बोलने का कोशिश, हंसाने की कोशिश किया मृदुल भाई ने, कोई बात नहीं होगा, एक दिन हो जाएगा, तुम हंसाओगे लोग, कोई नई बात नहीं। पकड़ के इसको क्यों फोटो खिंचा रही है, उखाड़ उखाड़ ना ले, इसको गोदी में क्या उठाया है, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं और आइए इनके गाने का लुत्फ उठाइए, बताइए इस कार्यक्रम। ये लड़के यहाँ व्हाइटनर का नशा कर रहे हैं, बताइए, छोटे छोटे बच्चे व्हाइटनर का नशा कर रहे हैं, ये देखिए, हद है यार हद है। आज चीफ गेस्ट के तौर पे केशरी देवी पटेल जी आई हुई हैं, जो कि हमारे प्रयागराज की सांसद हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इस व्लॉग का मेन मकसद ये है कि हमारे जितने भी भाई लोग मिल रहे हैं, ये व्लॉग खासकर उनके लिए बनाया जा रहा है, बिकॉज इसमें फ़ायदा ये रहता है कि उन्हें भी अच्छा लगता है और उतने लोग शेयर भी करते हैं। फिलहाल अभी तो वीडियो हम लोग एंड करने वाले हैं, पूरा अच्छे से कवर किया पर मार मुलाकात, और एक अपने उस वाली मुलाकात कर लें, ये वाली यो ऐसे। आज हम खिला रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह आप खिला रहे हो, वाह क्या बात है, ब्लॉग में थोड़ा ले लेते हैं पैसा का। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक सीरियस टॉपिक पे बताना चाहूंगा कुछ बात, अपना जो एक्सपीरियंस अभी हम लोगों ने जो नोटिस किया कि वहाँ जहाँ प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर कुछ बच्चे व्हाइटनर सूंघ रहे थे, मतलब व्हाइटनर का नशा कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी छोटे बच्चों को आप पैसा मत दीजिए, जो भी जरूरत उनको आप जाकर खुद दिला दो, लेकिन पैसा मत दो, पैसे मत दो, भाई 40 रुपए कमा कमा के वो व्हाइटनर सूंघ के उसके बाद रुमाल में उसको डाल रहा है बकायदा सामने, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मतलब मेरी बोलती बंद हो गई, मैं वहाँ गाना सुन रहा था, मैंने देखा बगल में ये क्या हो रहा है, 6-7 साल के होंगे, 6-7 साल के बच्चे और व्हाइटनर सूंघ रहे हैं वहाँ पे एकदम नशे में ऐसे, मतलब इधर उधर कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, बहुत गंदा नशा। इस चीज को बताने का मकसद आपको यही है कि आप ऐसे बच्चों को पैसा मत दें, क्योंकि पैसा लेकर वो ये इस तरह के नशे करते हैं और अपनी आगे की जिंदगी खराब करते हैं, क्योंकि एक बार ये लत लग जाती है ना तो जीवन भर इसके लिए वो पैसे मांगेंगे लोगों से और नशा करेंगे और उनका पूरा जीवन इसी में खराब होने, बस ऐसा दे रहे हैं, व्हाइटनर सूंघ रहा है बंदा, भूखे पेट होगा वो उसको चल जाएगा, लेकिन मेरी बोलती बंद हो गई, मतलब मैं शॉक था देख के, मेरे सामने ऐसे मतलब उन लोग व्हाइटनर निकाल के रुमाल में सूंघ रहे हैं वहां भरी सभा में, मतलब पुलिस है, मतलब इतने सारे लोग हैं उनके बीच में नशा कर रहे हैं यार, तो बस एक छोटा सा मैसेज था ये। चारों लोगों को बहुत तगड़ी भूख लगी थी तो आ गए अपने फेवरेट स्पॉट और यहाँ पे जो खाते हैं हपक के, वीडियो आपको दिखाते हैं, आप लोग भी आओ हपक के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 50% ऑफ ले जाओ, 10% ऑफ ले जाओ, मेरा नाम लो 10% ऑफ, अपने भाई का भोकाल है भाई, मेरा नाम साथ में ले लोगे तो 20% ऑफ, इसका नाम ले लोगे तो पूरा माइनस खत्म, 1% ऑफ। स्लो 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 स्लो
और मृदुल भाई एकदम बहुत खतरनाक भूख लगी है, मार हमके पड़ा, रुक जा। अरे मृदुल भाई ने जो अपनी क्षमता से ज्यादा खा लिया है और एकदम पड़ चुके हैं। तो भैया मूड फ्रेशर्स में एकदम हपक के खा लिया, बहुत तेज भूख लगी थी और सिनेमैटिक्स में आपने देख ही लिया कि क्या क्या हमने खाया। मृदुल देखो कितना खाई, एकदम पेट दुलदुल होएगा मृदुल के। और वैभव भाई भी काफी खुश है। तो फिलहाल उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बताइएगा वीडियो कैसी लगी और ऐसी कौन सी वीडियो चाहते हैं सजेशंस में बता देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। मृदुल भाई एक खुशखबरी लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, आगे की वीडियो में आपको पता लगेगा।